एक बार एक जंगल में एक हिरन रहता था। वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में से हमेशा आंसू निकलते। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता था। वो इसलिए होता था क्योंकि जब उसका बर्थडे था, उसको किसी ने भी विश नहीं करा 5 सालों तक। तो फिर उसने सोचा अपनी बर्थडे डेट ही बदल ले। तो फिर उसने अपनी बर्थडे डेट 3 अप्रैल रख ली। और उस उधर से एक लड़का गुजर रहा था जिसका नाम था दीपांश। और वो तेजी से हिरन की तरफ बढ़ा और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? मेरा नाम दीपांश है। तो फिर हिरन ने बोला कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन किसी ने मुझे विश नहीं करा। तो फिर दीपांश ने कहा कि आज मेरा भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हिरन। तो फिर हिरन बहुत खुश हुआ और उसको खुशी मिली क्योंकि आज उसके साथ किसी और का भी बर्थडे था। तो फिर उसने जल्दी से उस लड़के को कहा, तो दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोला और दोस्त बन गए। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी खुशी अपने रास्ते चल पड़े। और हर साल वो एक जगह पर मिलते और एक दूसरे को गले लगाकर हैप्पी बर्थडे बोलते। आज हिरन और दीपांश भैया दोनों का बर्थडे है। तो मैं मिस्टी और कैमरामैन मेरे पापा हिरन और दीपांश भैया दोनों को हैप्पी